हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। वेलकम टू द फिल्म मेकिंग लर्निंग चैनल गौरीज आर्ट्स। आज हम बात करेंगे कि अडोब प्रीमियर प्रो में सिनेमैटिक टाइटल रिवील कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में जाकर एक टाइटल क्रिएट करेंगे, फिर उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसकी फॉन्ट ट्रैकिंग इंक्रीज करेंगे। अब इफेक्ट पैनल में जाकर मिरर इफेक्ट को टाइटल लेयर पे ड्रैग करेंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाकर मिरर एंगल को 90 पे रखेंगे, फिर रिफ्लेक्शन सेंटर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे जिससे कि हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाए। अब क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पे जाकर रिफ्लेक्शन सेंटर पे की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ ड्यूरेशन के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे और अब इसका मिरर इफेक्ट रेडी हो गया है। अब इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए लास्ट की फ्रेम को ईज इन करेंगे। अब मोशन प्रॉपर्टीज में जाकर ओपेसिटी पे एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और इसे मेन टेक्स्ट के अराउंड सेट करेंगे और फेदर वैल्यू इंक्रीज करेंगे जिससे मिरर इफेक्ट और डायनामिक लुक देगा। अब इसे और क्रिएटिव बनाने के लिए हम टेक्स्ट लेयर पे गोशन ब्लर ऐड करेंगे, फिर ब्लर लेंथ इंक्रीज करने के बाद इस पे भी रेक्टेंगल मास्क लेंगे और मिरर इफेक्ट के अराउंड सेट करेंगे। अब इस लेयर को नेस्ट बनाएंगे और इसके स्केल प्रॉपर्टीज में जाकर की फ्रेमिंग ऐड करके लाइट जूम इन इफेक्ट बनाएंगे और स्मूथ एनिमेशन के लिए लास्ट की फ्रेम को जैसे पहले किया था वैसे ही ईजिंग करेंगे। हमारा फाइनल सिनेमेटिक टाइटल रिवील इफेक्ट रेडी हो गया है। अब आप इसके नीचे अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड और म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और गौरीज आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।